यहाँ जनता का राज है, जनता का गढ़ है। जनता ने पूरा मन बना लिया, मैनपुरी की जनता ने, कि इस बार बहनजी को पुनः पांचवी बार सत्ता में लाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं नहीं, बीजेपी के लिए पूरे आगरा मंडल की आप बात न करें, पूरे प्रदेश में। और उसके बाद जब चुनाव चुनाव केंद्र के होंगे तो इन्हें देश से खदेड़ा जाएगा। जनता ऊब चुकी है, जिन्हें आज माफिया और गुंडा बता रहे हैं। आपने माफिया उसे क्यों नहीं बताया, गुंडा उसे क्यों नहीं बताया, उन्ना वाले को जिसने लड़की को जिंदा जला के मार डाला। अच्छा एक चीज बताओ, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है बहन जी, अभी क्या दिखाई देता, इतना बड़ा हाथी नहीं दिखाई देता। ये मीडिया बंधुओं का खेल है, और ये मीडिया बंधु सरकार नहीं बनाएगी, ये जनता सरकार बनाएगी। बहुजन समाज पार्टी, सर्व समाजिक पार्टी, सतीश चंद्र मिश्रा, सीमा कुशवाहा, ये राष्ट्रीय लेवल के हमारे नेता हैं। कभी भी मिश्रा जी ने एक समाज की बात नहीं की, और बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर अहित हुआ तो ब्राह्मण समाज का ही हुआ, सबसे ज्यादा मारे गए ब्राह्मण समाज के लोग, सबसे ज्यादा मारे गए, इतनी किसी सरकार में नहीं मारे गए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान, और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, या यूँ कहा जाए मुलायम सिंह यादव के गढ़ में, यानी मैनपुरी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बसपा है उसने भी हुंकार भर दिया है, और यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा आएंगे। फिलहाल हम वो वाली तस्वीर तो आपको दिखाएंगे ही, इसके अलावा यहाँ के जो बसपा के समर्थक हैं, हम उनसे बस यही सवाल करते हैं कि क्या ये समाजवादी का गढ़ है? अगर गढ़ है तो कितना प्रभावशाली है, और बसपा कितना ज़्यादा प्रभावशाली है? सबसे पहले एक ये देखिए भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं, और ये सच्चे सिपाही हैं बहन जी के। देखिए ये दिन भर फील्ड पे काम करते हैं, लोगों का कहना है। क्या माहौल है बताते हैं कि ये मैनपुरी, इटावा और कन्नौज, ये सब जो है समाजवादी का गढ़ है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जनता का गढ़ है, और जनता उब चुकी है सपा से और बीजेपी से। बीजेपी ने अपने सरकार में लोगों को कटोरे पकड़ा दिए, लोग भूखे मरने लगे। ये कंडीशन नहीं है, ये रोजगार छीन लिए, सारे सिस्टम बंद कर दिए, हर व्यक्ति इनसे त्रायमान हो चुका है। यहाँ जनता का राज है, जनता का गढ़ है। जनता ने पूरा मन बना लिया, मैनपुरी की जनता ने, कि इस बार बहन जी को पुनः पांचवी बार सत्ता में लाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि मायावती जी लड़ाई में नहीं है। नहीं, ये तो जनता देखेगी। 10 मार्च को आप देखना कि हमारा बूथ कितना मजबूत हो रहा है, और कितने भारी बहुमत से हम जीत के आ रहे हैं। हमारा बूथ सबसे मजबूत वाली, ये जो कहावत है, बिल्कुल सटीक बैठेगी। बिल्कुल सटीक बैठेगी। हम लोग बूथों पे काम करते, घरों में बैठ के काम करते हैं, हम चिल्ला के रोडों पे चिल्ला के नहीं काम करते हैं। हम लोग अपने बूथ को, अपने वोटर को समझाते हैं, अपने वोटरों को अवगत कराते हैं कि बहन जी की सरकार में आपको क्या उपलब्धियाँ रही हैं, आपको कितना बड़ा फायदे मिले हैं। हमारी पार्टी बहन जी, मुख्यमंत्री बहन जी, हमारी हर समाज का पूरा सम्मान रखती है, पूरा ध्यान रखती है, पुरुषों का भी, युवाओं का भी, और महिलाओं का भी। अच्छा एक चीज़ बताइए नेताजी, हाँ, बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये आगरा मंडल लगता है ना? आगरा मंडल, आगरा हाँ, मंडल है। आगरा मंडल है, और यहाँ की बहुत सी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनको जनता जो है दौड़ा रही है, गाली दे रही है, यहाँ से भागो ऐसा कह रही है। हम इनसे जानते हैं, क्या ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये बीजेपी के लिए घातक नहीं है? नहीं नहीं, बीजेपी के लिए पूरे आगरा मंडल की आप बात न करें, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात। और उसके बाद जब चुनाव चुनाव केंद्र के होंगे तो इन्हें देश से खदेड़ा जाएगा। जनता ऊब चुकी है बिल्कुल इनसे, इनकी झूठ लफाजियों से, और जनता ने बिल्कुल इनकी तरफ से मुख मोड़ दिया। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ये सपा का गढ़ है, तो अच्छे अच्छे किले ढहते देखे हैं, अच्छे अच्छे किले ढहते देखे हैं। और बहुजन समाज पार्टी, पिछले हमारे जो प्रत्याशी हैं जो हारे हैं, उनका मार्जिन भी हमेशा 500, 2000, 3000, 4000 रहा है विधानसभाओं में, तो अब की बार वो मार्जिन टूटेगा, क्योंकि सपा को लोग पहले देख चुके थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को देख लिए हैं। अब वो पिछली तीसरी सरकार जो बहन जी की थी उसको याद कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, बहन जी के अलावा इस देश का कोई विकास नहीं कर सकता है। अगर ये गुंडा बहन जी की सरकार होती तो ये गुंडा माफिया सब जेल में होते हैं या प्रदेश की सीमा से बाहर होते हैं। कहते हैं योगी जी कि जितने गुंडा माफिया हैं उनके सब के घर पे हमने बुलडोजर चला दिया और उनको जो है जेल में भेज दिया, क्या वो निष्पक्ष चीजें कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने किया है, उन्हें तो बदले की भावना से सब किया है। उनका मतलब केवल एक ही है, केवल उनका टारगेट रहा है मुस्लिम और दलित, मुस्लिम को रोको और ठोंको की नीति चलाई है, और जिन्हें आज माफिया और गुंडा बता रहे हैं। आपने माफिया उसे क्यों नहीं बताया,
गुड्डा उसे क्यों नहीं बताया उन्नाव वाले को जिसने लड़की को जिंदा जला के मार डाला? आपने माफिया गुंडा उन्हें क्यों नहीं बताया जिन्हें हाथरस में लड़की को जिंदा जला के मार डाला, बलात्कार करके मार डाला? तो आप उन्हें गुंडा और माफिया नहीं समझते हैं? अरे मुस्लिम मुस्लिम एक मत है और एक मत रहेगा, और आज में आपने पिछले पश्चिम के चुनाव को देख लिया है, मुस्लिम में बड़े पैमाने पे बहन जी को समर्थन दिया है और बहन जी सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप क्या नाम है? अशोक कुमारी। अच्छा अशोक कुमार जी, एक चीज़ बताइए कि इधर जो है चुनाव भी हो गए हैं कुछ सीटों पर, वहाँ का रुझान क्या रहा? उधर रुझान बहन मायावती का पक्का पक्का और रहेगा, हर जगह रहेगा बहन जी का। अच्छा ये देखिए युवा हैं, देखिए इनमें जोश देखिए और लगन देखिए, जिसको कहते हैं ना श्रद्धा, गौचार डाले हुए हैं, बीएसपी का बिल्ला भी लगाया। क्या नाम है आपका? रिशु। अच्छा रिशु ये बताओ, आवाज निकालो तब अपनी बात, अपने हक की बात, और सवाल जब पूछोगे तभी तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, तभी तो जानेंगे पावरफुल। संविधान इसीलिए तो बना है ना, राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम, ये चीज़ें आप पढ़िए, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या माहौल है यहाँ का बसपा का? यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, बहन जी अजीत के आ रही है। पक्का? पक्का। अच्छा ये बताइए क्या नाम है? राजेश कुमार। कहते हैं कि बहन जी लड़ाई में नहीं। बहन जी लड़ाई 2007 में भी नहीं दिखाया था। हुआ क्या था, पूरे बहुमत की सरकार आई थी और बहन जी को कहीं नहीं अभी दिखा रहे, और जैसे ही बहन जी की पहली लिस्ट जब सूची जारी हुई थी उसी में त्रिकोणी दिखाने लगे। उसके बाद जैसे पहला जब चरण का चुनाव हुआ तो उसमें त्रिकोणी मामला दिखाने लगे, दूसरा चरण हुआ अब 185 दिखाने लगे, और 10 मार्च को आप देख लेना कि फुल फ्रेश बहुमत से सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, बहन जी की बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी, रोजगार आवास, बहन जी ने कभी गरीब या दलित के घर बैठ के खाना नहीं खाया, उन्होंने छप्पर झोपड़ी से निकाल करके महलों में रखने का काम किया, उन्होंने रोजगार दिया, बैकलॉग से भर्तियाँ की, नौकरी दी, तो बहन जी की तरफ लोग देख रहे हैं, मन बना चुके हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको छोटा सा फूल दिखाई देता है, साइकिल दिखाई देता है, इतना बड़ा हाथी नहीं दिखाई देता, ये मीडिया बंधुओं का खेल है, और ये मीडिया बंधु सरकार नहीं बनाएगी, ये जनता सरकार बनाएगी। कहते हैं जो गोदी मीडिया है वो बिक चुकी है साहब, वो उन्हीं को दिखाते हैं। आप एक बात बताओ कि सपा और बीजेपी को दिखाते हैं और बीएसपी को नहीं दिखाते हैं, बताइए 19 में सपा को कितने परसेंट वोट मिला था जब गठबंधन थे, और बीएसपी को कितना मिला था, उनकी सीटें कितनी निकली थी, बीएसपी की कितनी निकली थी, ये तो आप भी जानते हैं, दिखाइए ना आप कि 19 में दोगुनी सीटें उनसे निकली थी, वोट शेयर उनका ज़्यादा था, 22-24% बीएसपी के पास मजबूत वोट रहता, इतनी लहर में नहीं हिला है, तो मेरी सरकार बनने में कहाँ कमज़ोर है। अच्छा परसेंटेज की आप अगर बात कर रहे हैं तो हम भी एक परसेंटेज आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए सतीश चंद्र मिश्रा जी जो ब्राह्मण के शिरोमणि माने जाते हैं, जो आज यहाँ आ भी रहे हैं जी, उनका कहने का मतलब है कि केवल हमें जो है ब्राह्मण मिल जाए तो हम सरकार बना लेंगे। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं की, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, इसमें मुनकाद अली, सतीश चंद्र मिश्रा, सीमा कुशवा, ये राष्ट्रीय लेवल के हमारे नेता हैं। कभी भी मिश्रा जी ने एक समाज की बात नहीं की, सर्व समाज की बात की, सर्व समाज की पार्टी है माननीय सतीश चंद्र मिश्रा। जो दलित समुदाय है वो तो हमारे पास में सुरक्षित है, ब्राह्मण समाज आ जाए तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग थी जिसके आधार पर 2007 पे हमने सरकार बनाई थी वो उसकी बात। देखिए सर ब्राह्मण समाज समझ चुका है, 2007 में ब्राह्मण समाज को कितना सम्मान मिला था, 2012 के बाद सरकार बदली उनका क्या हित हुआ, और बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा अगर हित हुआ तो ब्राह्मण समाज का ही हुआ है। सबसे ज्यादा मारे गए ब्राह्मण समाज के लोग, सबसे ज्यादा मारे गए हैं, इतनी किसी सरकार में नहीं मारे गए जितनी बीजेपी में मारे गए। चलिए हम अभी वीडियो बड़ी हो रही है तो इसको थोड़ा सा हम रोक के फिर से करते हैं, और भी नहीं बिल्कुल हम दिखाएंगे और ये कहीं से भी कट नहीं होगा, और ये देखिएगा खूब वायरल होती है और खूब लोग देखते हैं, आप सब लोग प्यार बनाए रखे हैं ऐसे ही, बस ये चीज़ें कटेगी नहीं कहीं से, ठीक है जो आप लोग बोले हैं वो सब दिखाएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं, जो लोगों की बातचीत है, ये मैनपुरी से है, और मैं हूँ आपके साथ में श्रवण चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद।